भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत है श्री कृष्णेर अंग, भागवत है श्री कृष्णेर अंग, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है, और भागवत के हर एक अक्षर में भगवान और भगवान के भक्तों के साथ भगवान का कैसा प्रेम का व्यवहार है, आदान प्रदान है, ये दर्शाया गया है। क्यों? इसलिए कि हम भी भगवान से रिश्ते में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम भी भगवान से ऐसे ही रिश्ता अपना जो भूल गए हैं उसको वापस जोड़ लें। तो भागवत सुनने का उद्देश्य क्या है? भागवत क्यों सुननी चाहिए? भागवत सुनने से क्या हमको लाभ होगा? भागवत में ही लिखा है श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश हुए और भागवत से श्री कृष्ण श्रद्धालु सुनने वालों के कानों के द्वारा हृदय में आते हैं। तो असल में भागवत सुनने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को हमारे हृदय में जागृत करना है, प्रकट करना है। तो भगवान हृदय में आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत ध्यान से सुनने का है। धुनोति समलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारा हृदय में जो मैल है, ताप है, संताप है, दुख है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ये सब धो के साफ कर देंगे। जैसे माँ बच्चे को धो के साफ कर देती है, ऐसे भगवान अपने भक्तों को धो के चाट के साफ करते हैं। इसलिए भगवान के लिए एक शब्द है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं गाय के बछड़े को, नया जन्म दिया हुआ गाय का बछड़ा, माँ गाय उसको चाट के साफ करती है और अपना दूध पिलाती है। भगवान अपने भक्तों के अवगुणों को धोकर और उसके चरणों का अमृत पिलाते हैं। तो भागवत सुनने से भगवान को हृदय में लाना है ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय पवित्र हो जाए, हृदय धुल जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण से पहले दो पुराणों में भागवत का महात्म है। चार अध्यायों में स्कंद पुराण में महात्म है, छह अध्यायों में पद्म पुराण में महात्म है। और महात्म स्कंद पुराण में तो ये है कि भगवान शंकर जी, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु तीनों कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे सृष्टि करनी पड़ती है, रजोगुण का कार्य है, मैं कैसे अपने मन को स्थिर रखूं? तो भगवान ने कहा भागवत का पाठ करो। शंकर जी ने कहा मुझे तो संहार करना है, प्रलय का कार्य करना है, मैं कैसे अपने मन को एकाग्र करके भगवान के चरणों में ध्यान में स्थित रहूं? बोला भागवत का पाठ करूं। भगवान विष्णु साक्षात कहते हैं मुझे पालन करना है, पालन तो साध का भी करना है और चोर का भी करना है, काले का भी करना है, गोरे का भी करना है, तो मैं कैसे अपने आप को सदा भगवान के ध्यान में, अपने अपने शुद्ध सत्व में स्थित कैसे रहूं? बोलो भागवत का पाठ करो। तो हमारे पास चार वैष्णव संप्रदाय हैं। भगवान विष्णु एक महीना भागवत का पाठ करते हैं और लक्ष्मी देवी सुनती है। लक्ष्मी देवी दो महीना पाठ करती है और भगवान विष्णु सुनते हैं। तो लक्ष्मी देवी से श्री संप्रदाय चलती है, वो भागवत संप्रदाय। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा जल्दी वाला काम है, इसलिए ब्रह्मा जी सात दिन में कथा को पूरा कर लेते हैं, लेकिन शंकर जी तो साल भर कथा को करते रहते हैं। शंकर जी के पास कथा का कोई विराम है ही नहीं, और शंकर जी की रुद्र संप्रदाय है, और चार कुमार तो साक्षात बलराम जी से भागवत सुन के आए। तो चारों संप्रदाय भागवत संप्रदाय है, चारों के पर्वत भागवत को ही मूल रूप से लेके चल रहे हैं, जो इस वक्त भारत में प्रसिद्ध संप्रदाय हैं। तो यहाँ लिखा है इस महात्म में, एक प्रश्न उठ सकता है,
भागवत व्यास देव ने अपनी परिपक्व अवस्था में एक वेद को चार में विभाजित किया कलयुग के लोगों को सरलता से समझाने के लिए, उसको समझाने के लिए उपनिषद लिखे, फिर 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन स्वयं संतुष्ट नहीं था। तब नारद जी की प्रेरणा से भागवत को प्रकट किया, तो भागवत तो बाद में प्रकट हुई, तो पहले पुराणों में भागवत का महात्म कैसे? भागवत प्रकट बाद में हुआ तो जो पहले पुराने थी उसमें भागवत का महात्म क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लिया था तब थे, अब हैं कि नहीं है? आज भगवान श्री कृष्ण हैं कि नहीं है? है ना, उस वक्त प्रकट थे, अब अप्रकट हैं। ऐसे भागवत भी भगवान के समान है, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, कभी भागवत प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, लेकिन भगवान के समान है इसलिए नित्य है। भागवत नित्य है इसलिए पूर्व प्राणों में भी भागवत के महात्म का वर्णन है। और महात्म में वर्णन तो ऐसे आता है कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम से जब चले गए, 125 साल रहे धरती के ऊपर, 11 वर्ष वृंदावन में रहे, 17 एक वर्ष मथुरा में रहे, 101 वर्ष द्वारका में रहे, 90-100 के बीच में, 125-129 के बीच भगवान के धराधाम पे लीला का वर्णन है। तो जब भगवान धराधाम से चले गए तो सारे यदुवंशी जो देवता आए थे उनके संग, वो सब आपस में वापस चले गए। भाई देवता कैसे चले गए? बोला ब्राह्मणों ने शराब दिया। और अगर ब्राह्मणों के शराब से, ऋषियों के शराब से अगर यदुवंश नाश होता तो उद्धव भी तो यदुवंशी है ना, वो तो आज भी बद्री का आश्रम में नर नारायण के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। उद्धव दूसरे रूप में आज भी वृंदावन में गोवर्धन के पीछे, कुसुम सरोवर के पिछवाड़े में, उद्धव कुंड में आज भी विराजमान है। तो उद्धव कैसे रह गए? भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के भाई है। और फिर मथुरा का राजा बना वज्रनाभ, जब परीक्षित हस्तिनापुर का राजा बना तब वज्रनाभ राजा बना मथुरा का। वज्रनाभ तो भगवान श्री कृष्ण का परपोता है, वो कैसे बच गया? इसका मतलब भगवान अपनी इच्छा से देवताओं को वापस देवलोक भेज दिया, लेकिन यदुवंश में जिसको रखना था उसको रख लिया। और विशेष रूप से उद्धव के ऊपर भगवान की कृपा तो थी, लेकिन गोपियों और राधा रानी की विशेष कृपा थी जब उद्धव संदेश ले गया था तो। और वज्रनाभ तो अभी अपनी माता के गर्भ में ही था, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आए थे सूर्य ग्रहण के समय में, उस वक्त राधा रानी की, वज्रनाभ की माता ने बहुत सेवा की थी। और राधा रानी बड़ी आनंद में हाथ से आशीर्वाद दिया कि बहु रानी तेरा बेटा वृंदावन का, ब्रज का राजा बनेगा, मथुरा का राजा बनेगा, और सारी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करेगा। तो राधा रानी की विशेष कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यदुवंशी में, तो जब वज्रनाभ जी महाराज राजा बने तो एक दिन परीक्षित महाराज चले गए मथुरा। वज्रनाभ को कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, धन हमारे कोष से आएगा, हस्तिनापुर के सेना हमारी सुरक्षा करेगी, आप राजा बनो। वज्रनाभ जी कहते हैं मैं भी क्षत्रिय हूं, यदुवंशी हूं, रक्षा कर सकता हूं, लेकिन प्रजा नहीं है, राज किसके ऊपर करूं? मथुरा का जो 84 कोस है ये सूना हो गया था, जरासंध ने तहस नहस कर दिया था। तो वज्रनाभ और महाराज परीक्षित दोनों सांडल्य ऋषि के पास आए। सांडल्य ऋषि नंद बाबा का पुरोहित है। सांडल ऋषि ने कहा मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब बोला अब सब लीला की स्थलियां लुप्त हो गई हैं। तो सांडल्य जी ने एक बात की, वो ध्यान से सुनिए, भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक भगवान की लीला नित्य है,
अप्रकट है, वास्तविक है, वास्तविक अप्रकट और नित्य लीला, वो सदा होती रहती है, आज भी हो रही है। दूसरी भगवान की लीला व्यवहारिक प्रकट अवतार काल में होती है। तो जो व्यवहारिक लीला होती है, प्रकट लीला होती है, अवतार काल में लीला होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है और फिर लुप्त हो जाती है। और जो भागवत आदि ग्रंथों में, पुराणों में जो भगवान की लीला है, वो प्रकट लीला है, अप्रकट नित्य लीला नहीं है। नित्य लीला तो पवित्र हृदय जिन साधुओं का शुद्ध है, उन महात्माओं के हृदय में टेलीविजन की तरह धारावाहिक वो लीला चलती रहती है, वो नित्य लीला आज भी हो रही है। सांडले जी कहते हैं भगवान की नित्य लीला हो रही है। और इस बीच में परीक्षित ने कहा कि मैं कुछ धनी सेठियां और कुछ काम करने वाले भेजता हूं, आप भगवान श्री कृष्ण की लीला की सब स्थलियों को फिर दोबारा पुनर प्रकट कीजिए। तो ऐसे ब्रज को दोबारा वज्रनाभ ने बसाया और सब कुंड बनाए, सब सरोवर बनाए, सब भगवान की लीला स्थलियों को पुनः प्रकट किया। एक दिन जमुना महारानी, भगवान की चतुर्थ पटरानी कालिंदी, बड़ी प्रसन्नचित्त बाकी भगवान की रानियों से मिली। सब रानियों ने कहा, हमारे प्रिय प्रीतम श्री कृष्ण के जाने के बाद हमको तो उनकी जुदाई के वियोग में बहुत पीड़ा हो रही है, आप प्रसन्न कैसे हैं? तो कालिंदी ने कहा, मैंने राधा रानी का किंकृत्व तो स्वीकार कर लिया, राधा रानी की सेविका बन गई हूं और नित्य लीला में मेरे को रोज कृष्ण का मिलन हो रहा है, कभी कृष्ण से तो अलग हुई नहीं। तो सब रानियों ने कहा, हमको कृष्ण से कैसे मिलन हो, हमको कैसे नित्य लीला में प्रवेश हो? बोला, भगवान का कोई भक्ति करा सकता है नित्य लीला में प्रवेश। बोला, फिर भक्त कैसे मिले? बोला, भगवान का कीर्तन करो, भक्त जहां भी होगा प्रकट हो जाएगा। तो भगवान का कीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जैसे सांवले लंबे चौड़े उद्धव जी प्रकट हो गए। सबको आश्चर्य लगा उद्धव जी को प्रकट देख के। और उद्धव जी ने पहली भागवत कथा की वृंदावन में, गोवर्धन की तलहटी में। एक महीने तक उद्धव जी ने भागवत कथा की। इस उद्धव जी की भागवत कथा में अभी तो मंगलाचरण ही चल रहा था, तो परीक्षित महाराज को हस्तनापुर से बुलावा आ गया कि भाई तत्काल राज की कोई समस्या है, आप आ जाइए। परीक्षित ने कहा, मैं कथा कब सुनूंगा? उद्धव जी कहते हैं, आपकी कथा की व्यवस्था विशेष होगी, जब आप कथा सुनेंगे तब संसार को कथा मिलेगी। परीक्षित चले गए, कथा धारावाहिक एक महीना चली, श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और रानियों ने कृष्ण को देखा और फिर रानियां नित्य लीला में प्रवेश हो गई। तब कथा सुनने वालों को ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण से कथा सुनने वालों ने ये प्रार्थना की कि भगवान जहाँ भागवत की कथा हो वहाँ आप प्रकट होके सुनने वालों को आशीर्वाद दे दिया करो, उनको उनके हृदय में भक्ति को प्रकट करके उनकी वांछा पूरी करना। और भगवान ने कहा, तथास्तु। इसलिए जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य नाम के रूप में होता है, कथा के रूप में होता है, साक्षात जिसका हृदय शुद्ध है उसके हृदय में भी हो सकता है। और फिर दूसरे महत्व में कथा ये आती है कि नारद जी ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, सारे तीर्थों में गए, तीर्थों के अंदर धर्म कर्म खत्म हो गया था और लोग पाखंड, चारों ओर से पाखंड ही पाखंड था। नारद को बहुत बड़ा दुख हुआ कि तीर्थों में जहाँ लोग पवित्र होने जाते हैं वहाँ ही सब पाप कर्म हो रहे हैं। नारद जी घूमते घूमते वृंदावन में आए तो वृंदावन में साक्षात भक्ति देवी उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग के साथ नारद जी को मिली। भक्ति वैसे तो भाव है लेकिन वह मूर्तिमान रूप में नव युवक मिली, लेकिन दो पुत्र उसके बूढ़े उसके सामने पड़े थे।
नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, देवी आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आप चिंता में क्यों हैं? देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई, दक्षिण भारत में हुई, कर्नाटक ने में लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में जाते जाते मैं जर्जर हो गई, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं रह गया, मैं वृंदावन आई, मैं नौजवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े पे अब जाग नहीं रहे। और पृथ्वी ने एक बात कही, अगर मेरा लोग, सॉरी भक्ति देवी ने कहा कि अगर लोग मेरा सेवन नहीं करेंगे, भक्ति का पालन नहीं करेंगे, तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। क्या कहा देव, भक्ति देवी ने क्या कहा? समुद्र पार गमिष्यामी, चली जाऊंगी। और कुछ अनुभवी महात्मा वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी के 100 वर्ष जन्म पे आए थे, तो कह रहे थे कि भक्ति देवी इस महात्मा प्रभुपाद के हृदय में बैठ के पाश्चात्य देश चली गई। और वहां से फिर वापस भारत में आई, तब से लोगों ने भक्ति देवी का स्वागत किया। आज भक्ति देवी भारत के अंदर फल फूल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारद जी ने कहा, मैं नारायण का शिष्य हूं, भक्ति देवी आपको जन जन तक और कन कन तक, कान कान तक और जनता में हर एक तक नहीं पहुंचाऊं तो मैं आपको वचन देता हूं और आपके दोनों पुत्रों को मैं अभी ठीक कर देता हूं। अरे भगवान ने, वैकुंठ नाथ ने आपको मुक्ति तो दासी के रूप में दी थी भक्ति देवी, अब कोई मुक्त होना नहीं चाह रहा है, इसलिए मुक्ति देवी वापस वैकुंठ चली गई। तुम भक्ति चाहो तो किसी को दे सकती हो, तो आती है दासी की तरह तुम्हारे सामने खड़ी रहती है। और भक्ति देवी किसी के हृदय में आप बैठ जाओ तो गोविंद को लाके वहां बिठा सकती हो, आपका सामर्थ्य ये है, तो आपको मैं। और फिर नारद जी ने वो दोनों बच्चों को हिलाया, कुछ नहीं हुआ, वेद का पाठ सुनाया नहीं हिले, गीता का पाठ किया नहीं हिले। नारद जी आश्चर्यचकित हुए, अरे कर्म से नहीं हिले, ज्ञान से नहीं हिले? नारद जी चिंता में स्वयं निकल पड़े अपने गुरु के आश्रम में, विशाला नगरी कहाँ, बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम में जाके अपने इष्ट देव नर नारायण को प्रार्थना की, मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा? और आदेश ये हुआ कि संत तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। और वहीं बाहर निकले नारद तो भाई मिले, चार कुमार, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र सनकादि ऋषि मिले। नारद आपको देख के लोग सुखी हो जाते हैं, और आज आपके चेहरे में चिंता क्यों? नारद जी ने कहा, सत बताऊं, मैंने भक्ति को वचन दिया है, मैंने हाथ से हिलाया, गीता पढ़ी, वेद पढ़ा, लेकिन बच्चे उनके ठीक नहीं हो रहे हैं। सनकादि कहते हैं, नारद जी आप जानते हो भागवत का पाठ क्यों नहीं सुनाया? तो नारद जी ने कहा, भागवत में और वेद में अंतर ही क्या है? तो सनकादि ऋषि कहते हैं, अंतर यह है, आम के पूरे पेड़ के अंदर आम का रस होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन आम को काटोगे तो रस निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। आम जब पक जाएगा पेड़ के अंदर तो रस आम का मिलेगा ना। आम के पेड़ से आम का रस नहीं मिलेगा, आम के पके हुए फल से आम का रस मिलेगा। गाय में दूध तो सब जगह होता है क्योंकि बनता तो खून से ही है, लेकिन चाकू मारने से गाय को दूध निकलेगा क्या? नहीं ना, खून निकलेगा, दूध तो स्तन से निकलेगा। तब नारद जी कहते हैं, नारद जी को चार कुमार कहते हैं कि भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और वो रस वाला है, और उससे ये ज्ञान और वैराग दोनों जागृत हो जाएंगे, चलो हम भागवत की कथा सुनाते हैं। ये दूसरी भागवत की कथा, पहली कहां हुई कथा आपको बताया था, गोवर्धन की तलहटी पे, कुसुम सरोवर के पीछे, और दूसरी कथा हुई हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम, जहां गंगा 7 धाराओं में बट जाती है 7 ऋषियों के लिए। यहां कथा कौन कर रहा था?
सनकादि ऋषि, यजमान नारद और सब ऋषियों को बुला के लाए, जो आए मना के लाए, सब बैठे, कथा शुरू हो गई। कथा का महात्म ही चल रहा था, अचानक नव युवती एक सुंदरी प्रकट हो गई और उसके साथ दो बालक प्रकट हो गए और नृत्य करने लगे। सब आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, देवी आप कौन हो? सनकादि ऋषि कहते हैं, देवी कौन हो? बोला, मैं भक्ति हूं। कहां से प्रकट हुई? बोला, भागवत से। मैं कहां बैठूं? ये भक्ति देवी ने पूछा। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, इन भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, ये भक्तों का हृदय आपके रहने का स्थान है। और ये दो ज्ञान और वैराग नौजवान हो गए और नृत्य करने लगे भागवत में। ये भागवत से प्रकट होने वाला ज्ञान जो है ना, वो नृत्य करता है, और जो सूखा ज्ञान होता है वो नृत्य नहीं कर सकता। और ये वैराग जो है, इस वैराग की परिभाषा कुछ छोड़ना नहीं है। वैराग का अर्थ है विशेष राग। विशेष राग का मतलब भगवान में इतना आनंद आने लगे, इतना भगवान से प्रेम हो जाए कि संसार अपने आप छूट जाए, उसको छोड़ने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़े। कुछ छोड़ने के लिए, अब आप 2 घंटे रोज कथा सुनेंगे तो आप भगवान की कथा सुनेंगे, मंदिर में बैठेंगे तो 2 घंटे संसार के काम से तो बच गए कि नहीं बच गए? हाँ, परेशानी से बचे कि नहीं बचे? तो ऐसे विशेष राग का मतलब भगवान में इतनी आसक्ति हो जाए कि बाकी चीजें, भाई भगवान मिल जाए तो बाकी और चीजें किसी को, और चीज जरूरत क्या है उस चीज की? भगवान से बाहर कोई चीज अलग है क्या? भगवान से अलग सिर्फ एक चीज है, माया। भगवान को छोड़ोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा? और माया क्या काम करती है मालूम है? 2 काम करती है। असली चीज को ढक देती है, उसको कहते हैं आवरण आत्मिक, आवरण का मतलब पर्दा, और नकली चीज को दिखा देती है और उसमें हमको भ्रमा देती है, उसको कहते हैं विक्षेप। माया कैसे काम करती है? सिनेमा में कभी गए हैं? सिनेमा हॉल में कभी गए? सिनेमा हॉल में जाते हैं तो अपने सगे संबंधी के साथ जाते हैं, पुत्र मित्र के साथ जाते हैं, पत्नी के साथ जाते हैं, टिकट खरीद के जाते हैं, बैठते हैं, भर जाता है हॉल, फिर क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? लाइट बंद करते हैं। लाइट बंद करते हैं ना, अंधेरा होता है ना, जिसके साथ गए थे वो भूल गया, जो अपना था जिसके साथ आए थे वो तो भूल गया, और फिर पर्दे के ऊपर एक चालू करते हैं फिल्म, और 3 घंटे हम उस फिल्म के अंदर, वो हीरो जैसे हमारा सक्का संबंधी वही है, उसको दुख आया तो हम रोना शुरू करेंगे, उसको सुख आया तो हम हंसना शुरू करेंगे, वो पैसा कमा रहा है और हम पैसा खर्च करके रो रहे हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है? और इंटरवल होती है तब याद आता है, अरे मेरे साथ तो ये आया था, वो तो ऐसे ही पर्दे पे चल रहा था। ऐसे हमारे साथ भगवान आया है, अज्ञात मित्र हमारा, वो हमारे साथ बैठा है, माया ने उसको तो ढक दिया, हमारे पर्दा आंखों के ऊपर दे दिया, और दुनिया के स्क्रीन पे इतना बड़ा पर्दे के ऊपर फिल्म चला दिया, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, परिवार है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कौन सा कब कहाँ जाता है मालूम नहीं, और हम उसमें ही रम गए और जो हमारे साथ आया था उसको भूल गए। तो भगवान से अलग केवल माया है, जो भगवान जहां नहीं है वहां सिर्फ माया है, और माया से बचना है तो भगवान के सामने रहना। भगवान को पीठ दी नहीं, और माया कहां रहती है कोई पूछे तो? भगवान के पीछे रहती है, भगवान के सामने आने में उसको लज्जा होती आती है। आप भगवान के सामने होंगे तो माया नहीं छुएगी, और भगवान को पीठ दिया तो माया पकड़ लेगी। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने ये कथा सुनी, सनकादि ऋषियों ने ये कथा की, उस कथा में तो सुखदेव आदि प्रकट हुए, प्रहलाद प्रकट हुआ, इंद्र नारद आदि, बड़ा कीर्तन हुआ। तब कहा कि ये तो बहुत पुरानी कथाओं की बात हो गई, और किसी का कथा ने लाभ किया है क्या? तो एक कथा आती है तुंगभद्रा नदी के किनारे के ऊपर रहने वाले एक ब्राह्मण की, उसका नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम था धुंधकारी,
कोई संतान नहीं था, साधु ने कृपा करके फल दिया, धुंधली ने फल नहीं खाया, गर्भवती होना नहीं चाहिए थी, गाय को खिला दिया, गाय ने बच्चा दिया गोकर्ण, बड़ा भक्त संत की कृपा से हुआ, और धुंधली ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद ले लिया, बोला मेरा ये है, इसने नहीं मेरा ही बच्चा है, मेरे को दूध नहीं है, बोला नाम क्या रखें, मेरा नाम आत्मदेव इसका नाम ब्रह्मदेव रखें, बोला नहीं नहीं मेरा नाम धुंधकारी है, मेरा नाम धुंधली इसका नाम धुंधकारी, तुम्हारे नाम से नहीं होगा, बदमाश पहले नंबर का निकला, पिताजी को सताया, पिताजी तो दसम स्कंद भागवत का पाठ करने चले गए, माता को बहुत परेशान किया, कुएं में कूद गई, पांच वेश्याओं के साथ विवाह कर लिया, धुंधकारी ने सब चोरी बदमाशी की, एक दिन राजकुल से चोरी किया, वेश्याओं ने कहा बंद गया तो हमको भी जेल में डलवा देगा, वेश्याओं ने ही उसको मार दिया, और मारने के बाद कहा कि हमारा पति परदेश गया। गोकर्ण अपने घर में आके देखा तो एक भैंस खड़ी है, भैंसे के बाद कुत्ता खड़ा है, कुत्ते के बाद बिल्ला खड़ा है, अरे कौन हो, बोला तेरा भाई हूँ, धुंधकारी हूँ, प्रेत बन गया हूँ, बोला मैंने गया में सबका तर्पण किया था, बोला मैं भारी प्रेत हूँ, गया से तरने वाला नहीं हूँ, मेरा उद्धार कर मेरा भाई। तो सूर्य देव को प्रार्थना की, सूर्य देव ने कहा भागवत का पाठ करो, भागवत की कथा हुई, एक बांस का लकड़ा लगाया उसमें सात गांठ थी, एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ टूटे सात दिन की कथा पूरी हुई, और वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी वैकुंठ जाने लगा। उस वक्त गोकर्ण ने कहा कथा तो सबने सुनी, विमान एक आया, बाकी का विमान कहाँ है, बोला इसने ही कथा ध्यान से सुनी थी, बाकी सब अपने काम में लगे हुए थे। एक व्यक्ति मूर्तियां बेच रहा था मंदिर के बाहर, चार मूर्तियों के सेट एक जैसे थे, बोला एक बोला फ्री की ले जाओ, बोला दूसरी 10 रुपए की, तीसरी 100 की, चौथी 1000 की, लेकिन सब साथ लो, फ्री वाली भी फ्री में नहीं, 1110 रुपये दो और 4 ले जाओ। कौन ले, फ्री वाली भी उतने की, 1000 की भी उतने की। तो एक तो आया 1110 रुपये दिया, बोला बताओ तो सही इसके भाव में अंतर क्यों है। पहली मूर्ति को उठाया, कान में तार डाला, इधर से डाला, इधर से दूसरे तरफ से डाला, नहीं गया, बोला मुफ्त की मूर्ति है, कथा में बैठी होती है, यहाँ से कुछ नहीं जाता है, यहाँ से कुछ नहीं जाता, बस बैठी होती है, ये मुफ्त वाली मूर्ति है। बोला 10 रुपये वाली क्या करती है, दूसरी उठाई, इधर से कान तार डाली, इधर से बाहर निकल आई, बोला यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है, यहाँ तक सुनता है, बाहर जाके निकाल देता है। एक काका था कथा में जाता था बचपन से, उसका बेटा बड़ा हो गया, बेटा दुकान पे बैठा था, कोई ग्राहक चीज़ पूछने आया तो पिताजी से पूछने गया, पिताजी बैठे थे कथा में, उस वक्त महात्मा कथा में कह रहा था गाय हमारी माता है, कहीं खाती हो तो हाथ जोड़ना चाहिए, बैल आ जाए तो प्रेम से गुड़ खिलाना चाहिए, अन्न खिलाना चाहिए। इतनी कथा सुनी, पिता ने कहा तुम जाओ मैं आता हूँ, ये चला गया दुकान पे, बाहर अनाज की बोरी पड़ी थी, गाय आके खाने लगी, इसने कहा मैया खाओ, तब तक पिताजी आया, 2 लाठी गैया को और 2 थप्पड़ बेटे को, बोला ये दुकान चलेगा ऐसे, बोला अभी तो बापू कथा में सुन के आया था, गैया को क्या, बोला कथा में कब से सुन रहे हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, यहाँ थोड़ी घर में लाते हैं, कथा की बात कथा तक रहती है, तो कथा को 100 रुपये वाली मूर्ति कौन सी है, बोला इस कान से तार डाला, कान से नहीं निकला, मुंह से बाहर निकल आया, बोला ये कथा सुनते हैं, खुद पढ़ते नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, लेकिन कथा करना चालू कर देते हैं, ये 100 रुपये वाली मूर्तियां हैं, ये सब जगह चलती रहती हैं, बहुत चलती हैं ये मूर्तियां, कथा सुन ली है, टेप पे सुन ली है, कैसेट में सुन ली है, कैसे भी कर लिया है, लेकिन कोई परंपरा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, और कथा चल रही है, लेकिन फिर कम से कम सुनी है, कुछ तो कर रहे हैं। बोला 1000 वाला मूर्ति इस कान से डाला, ना मुंह से निकला, ना इधर सा, सीधा दिल में चला गया। बोला कथा वो जो दिल में चली जाए, क्योंकि कथा से भगवान आता है, और भगवान कहते हैं मैं दिल में जाऊं, और आप दूसरे कान से भगवान को निकाल दोगे तो काम कैसे चलेगा। तो कथा गोकर्ण ने दोबारा कथा की, और उस दूसरी कथा के अंदर जिन्होंने कथा सुनी थी सबके लिए विमान आया, और सबको कली काल में गोकर्ण भगवत धाम ले जाने का कथा के माध्यम से ये बड़ा उन्होंने एक अनुपम उदाहरण दिया। और इसके बाद भागवत का महात्म दोनों पुराणों का यहाँ पूरा होता है।
महात्म इसलिए कहा जाता है कि महानता का पता लगे कि ये शास्त्र कितना महान है। आज भी भागवत बहुत बड़ी शक्तिशाली है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भागवत कलयुग के चिंता में ग्रस्त लोगों के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश और आंदोलन लाने वाली है। और ये कहा नहीं प्रभुपाद जी ने, इस भागवत के द्वारा पाश्चात्य देश में धर्म तो जानते ही नहीं थे, जो लोग हिप्पी हो चुके थे, नशे में धुत थे, उनके जीवन में चमत्कारी प्रभाव हुआ और उनका जीवन बदल गया और वो साधु बन गए। तो भागवत ने चमत्कारी कार्य केवल कहा नहीं, प्रभुपाद ने करके दिखाए। और श्री प्रभुपाद जी ने अभी तो इस्कॉन की स्थापना ही नहीं की थी, तब पहले स्कंद भागवत के आगे लिखा है कि पूरे विश्व के अंदर जो अशांति है उसका दायित्व भारत के ऊपर है। भारत ने, अरे भारत के ऊपर कैसे है, भारत तो किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, सारे बाहर के आक्रमण करने वाले भारत के ऊपर आए, भारत तो हमेशा संतुष्ट रहा, शांत रहा, तो भारत के ऊपर दायित्व क्यों सारे संसार की अशांति का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भारत के इस भागवत के संदेश को अगर भारतवासियों ने दिया होता पूरे विश्व को, तो विश्व का ये हाल नहीं होता जैसा आज है। और प्रभुपाद ने ये लिखा था और फिर स्वयं ही अकेले निकले इस भागवत के द्वारा विश्व को शांति का और सुख का संदेश देने के लिए। और एक दिन बैठे हुए कह रहे थे, मैं अकेला और 70 साल की आयु में इस भागवत के संदेश को लेकर और महामंत्र को लेकर पूरे विश्व में गया, सारे विश्व ने इसका स्वीकार किया, आप तो एक भारत के अंग टुकड़े के लिए रो रहे हैं, हम तो पूरे विश्व को भारत कर दें अगर 5 आदमी निकलो और इस भागवत के संदेश का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ तो पूरे विश्व को भारत बना देंगे। ये प्रभुपाद के शब्द हैं हिंदी प्रवचन के। तो उनका भारत भागवत के ऊपर पूर्ण विश्वास था। अब आते हैं श्रीमद् भागवत, ये कथा जो भागवत में चल रही है ये कहाँ हुई। दो कथाओं की तो बात हुई, तीसरी कथा भागवत की परीक्षित महाराज के लिए हुई और सुखदेव महाराज ने की मुख्य कथा। ये कथा का स्थल है सुकताल। ये सुकताल गंगा जी की एक धारा के किनारे पे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर दूरी के ऊपर सुकताल आज भी स्थान है, जहाँ भागवत की कथा सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई, जिसमें सब लोग थे। लेकिन जो कथा हमारे पास शुरू होती है भागवत में, वो कथा शुरू होती है नैम शरण्य में। तो ये नैम शरण्य निमिषेन, भगवान विष्णु को कहते हैं जिसकी आंख बंद नहीं होती है, निमिष क्षेत्र है, पवित्र स्थान है नैम शरण्य का। ये लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पे नैम शरण्य का स्थान है, वहाँ चक्र तीर्थ है। यहाँ कथा सूत गोस्वामी कर रहा था और सुनने वाले सनकादि ऋषि थे। तो यहां से कथा हमारी भागवत में आरंभ होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण परिपक्व अवस्था में व्यासदेव ने प्रकट किया और 12 स्कंद का यह पुराण है। इस पुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। पहला अध्याय, पहले स्कंद के 19 अध्यायों में पहले अध्याय के 3 श्लोक को मंगलाचरण कहते। मंगलाचरण का मतलब है कोई कार्य शुरू करें तो निर्विघ्न पूरा कैसे हो, उसके लिए 3 कार्य होते हैं। मंगलाचरण त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। इष्ट देव को प्रार्थना, विश्व वस्तु का निर्देश है क्या इस शास्त्र में, और तीसरा आशीर्वाद। तो पहला श्लोक भागवत का इष्ट देव को प्रार्थना है। इस श्लोक का हम पाठ ऐसे पढ़ लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जनमाद्यस्य यतो अनव्याद इतर्तश्च अर्थेश्वा अभ्यग्य स्वरात तेने ब्रह्मा हृदय
आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा नरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये है गायत्री का धीमहि। धीमहि मरी हमारी बुद्धि किस में लगे? परम सत्य में लगे। तो परम सत्य है आराध्य देव। परम सत्य आराध्य देव, सीधा कृष्ण राम क्यों नहीं कहा, गोपाल गोविंद कहा होता? क्योंकि कथा सुनने के समय व्यासदेव, जब सुखदेव महाराज कथा कर रहे थे तो बहुत से प्रकार के, बहुत से मत पंथ वाले लोग थे, इसलिए सत्यम परम धीमहि कह दिया। हमारी बुद्धि परम सत्य में का ग्रहण करे, वर्ण करे। परम सत्य कौन है? ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण है, और ग्रंथ के मध्य का मंगलाचरण है दसम स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर। दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में मध्यम मंगलाचरण में परम सत्य कौन है, इसका परिभाषा की गई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि सारे भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप सत्य हैं, सत्य है, सत्य की योनि है, परम सत्य है, सत्यस्य योनि त्रिकाल सत्यम। तो ये सत्य कौन है, परम सत्य कौन है? तो यहाँ हमारे आचार्य गण कहते हैं वो परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अभी उनके प्रकट से पहले ब्रह्मा और शंकर आदि उसको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप परम सत्य हैं, आप ही सत्य के आधार हैं। तो सत्यम परम श्री कृष्ण का संबोधन है। और फिर तीसरा मंगलाचरण 13वें अध्याय में 12वें स्कंद के तीसरा मंगलाचरण है, और वो मंगलाचरण भी सत्यम परम धी है, मई है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंगलाचरण 12, 13, 19 में, कस्मै येन विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तदरूपेण च नारदाय मुन्य कृष्णाय तदरूपिणे योगिन्द्राय तद आत्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस तत्श्रुतम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। दोबारा सत्यम परम धीमहि। तो किसको प्रार्थना कर रहे हैं व्यास देव जी? भगवान श्री कृष्ण को, जो परम सत्य हैं। परम सत्य की परिभाषा क्या है? परम सत्य किसको कहते हैं? परम सत्य कहते हैं जो सब अपने अवतारों, सब अपनी शक्तियों के सहित। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है, कृष्ण परम सत्य है। सारे अवतार उसके साथ हैं, सारी शक्तियां उसके साथ हैं। इस परम सत्य का दर्शन व्यास देव ने नारद जी की प्रेरणा से किया, इसका वर्णन अभी करते हैं थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से। तो पहले श्लोक में क्या है, ये परम सत्य कैसा है जो इस सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है, सब कुछ जानता है और स्वतंत्र है, सबका कारण है लेकिन उसका कोई कारण नहीं है। और उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारा वेदों का ज्ञान दिया, और उसकी माया से बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, और मृग तृष्णा सुनते हैं, समझते हैं ना, जैसे गर्मी की मौसम में राजस्थान में दूर पानी दिखता है और हिरण समझता है पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है, सूखा होता है, और भाग के वहां पहुंचता है तो पानी उतना ही दूर नजर आता है।
तो ऐसे संसार मृग तृष्णा जैसा दिखता है और भगवान ही सत्य है इसमें। ये पहली प्रार्थना करके फिर दूसरा वस्तु निर्देश के लिए दूसरे श्लोक में वस्तु क्या है भागवत में, भागवत में है क्या, तब कहते हैं धर्म प्रोजित कई तब तत्र अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत के अंदर परम धर्म है। एक धर्म होता है स्वर्ग तक ले जाने वाला, उस धर्म के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है कि हमको स्वर्ग मिले, हमको जन्नत मिले, हमको हेवन मिले। लेकिन स्वर्ग वाला धर्म के ऊपर हंसी तब आती है जब किसी का कोई रिश्तेदार बूढ़ा बाबा दादा चल बसता है ना, तो चिट्ठी लिखते हैं दादाजी का दुख से लिखना पड़ता है कि स्वर्गवास हो गया। अरे भाई स्वर्गवास हो गया तो दुख काहे के लिए हो रहा है भाई, इतना स्वर्ग अच्छा होता तो दुख तो नहीं लिखते ना, दुख से लिखना पड़ रहा है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अरे हाँ वाकई दुख से लिखना पड़ रहा है क्योंकि स्वर्ग में जाने वाले को वापस आना पड़ता है। और दूसरा है मोक्ष धर्म, वो मुक्ति देने वाला, वो भी भागवत में उसकी विशेषता नहीं है। तीसरा है वैकुंठ में पहुंचाने वाला धर्म, जहां चार प्रकार की मुक्ति होती है, उसका भी भागवत में मुख्यता नहीं दी गई है। भागवत में मुख्यता दी गई है परम धर्म को। बोला परम धर्म कौन सा है? बोला प्रेम। परम धर्म है प्रेम। बोला उसका उदाहरण कौन है? बोला गोपियां जैसे कृष्ण से प्रेम किया वो परम धर्म है। परम धर्म है गोपियों का प्रेम जो कृष्ण से किया, इसलिए महाप्रभु ने ये श्लोक कहा जो पहले हमने कहा, भागवत है श्री कृष्ण अंग प्रति अक्षरे प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। इसका मतलब भागवत में परम धर्म है प्रेम, और ये प्रेम कहीं से लाना नहीं है, सबके हृदय में भगवान ने प्रेम पहले से भर के भेजा है, कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कबू नहीं, ये पहले से तैयार पड़ा है, सबके हृदय में भरा पड़ा है। बोला बाहर क्यों नहीं निकल रहा? सबके हृदय में भगवान का प्रेम है तो बाहर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? तो उदाहरण एक देते हैं, मई जून में पानी के नल होते हैं ना, नल कूप कहते हैं, हैंड पंप कहते हैं, उसमें बीच में हवा आ जाती है, गर्मी के कारण बीच में वैक्यूम हो जाता है, खला हो जाती है, तो हम जब नल चलाते हैं तो हवा आती है फा फा फा, तो नीचे पानी होता है लेकिन आता नहीं है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, दो एक बाल्टी लेते आते हैं, दो चार जग पानी का ऊपर से डालते हैं तो हवा निकल जाती है, और फिर नल चलाते हैं तो पानी निकलता है और बाल्टी भर जाती है, मटका भरता भरता है ना। कृष्ण प्रेम अंदर पड़ा है, माया ने थोड़ा खाल बना दिया है, कथा की सात दिन बाल्टियां भर के अंदर डालो तो ये खाल खत्म हो जाएगा और कृष्ण प्रेम बाहर निकल आएगा। ये कथा की बाल्टियां डालनी पड़ेगी श्रवण, तो वहां लिखा ऐसे है महाप्रभु ने, कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य कभी ना कभू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। ये कथा सुनने से क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा, चित्त पवित्र हो जाएगा, तो ये हवा निकल जाएगी तो ये कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। और कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में पड़ा है, कोई हृदय खाली नहीं है। इस प्रेम को संसार में लोगों ने विकृत कर दिया है, विकृत समझते हैं, बिगाड़ दिया है। और इसका विकृत रूप क्या है? काम। प्रेम ही काम के रूप में विकृत हो गया है, और भागवत सुनने से हमको विकृत काम को प्रेम में वापस परिवर्तित करना है। काम और प्रेम में दिन रात का अंतर है, सोने और लोहे में जितना अंतर है इतना प्रेम और काम में अंतर है। तो भागवत में परम धर्म है प्रेम, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं दुनिया में ये नहीं सिखाने आया हूं कि तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारे रिलीजन से मेरा जनिजन महान है। ऐसे मैं कहता तो ये कब का मुझको, प्रभुपाद ने कहा, कब का मुझको भगा देते। मैंने कहा लव ऑफ गॉड, साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड सिखाने आया हूं।
भगवत प्रेम का विज्ञान सिखाने आया हूं। अब विज्ञान साइंस पढ़नी है आपको, अगर साइंस पढ़नी है, कॉलेज में जाना है, तो कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, लेकिन साइंस पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद ने कहा ये साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड है, साइंस ऑफ सोल है। तो ये प्रभुपाद ने भाषा ही ये बोली कि कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, ये विज्ञान है, ये मैं सिखाने आया हूं। ये सब धर्मों से ऊपर है, क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। बाकी धर्म शरीर के धर्म है, जिस घर में जन्म हुआ वो उसका धर्म हो गया, जिस देश में जन्म हुआ उस देश का वो शरीर हो गया। आत्मा तो न किसी देश का है, न किसी धर्म मजहब का है, आत्मा तो भगवान का अंश है। आत्मा किसका है? भगवान का है। तो आत्मा का धर्म क्या है? प्रेम करना। आप किसी से प्रेम करते हो तो दिखाओगे कैसे? आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका प्रदर्शन कैसे करोगे, उसको दिखाओगे कैसे? सेवा करके। बच्चे से माँ प्रेम करती है तो दिन रात सेवा करती है, अपनी नींद खराब करके बच्चे को देखती रहती है। सेवा से प्रेम का पता लगता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति के लिए शब्द लिखा है प्रेममयी सेवा, प्रेममयी सेवा। तो भागवत में क्या है? परम धर्म है। तो बाकी धर्म के लिए एक शब्द लिखा कैतव। कैतव कहते हैं चीटिंग। चीटिंग का मतलब लोगों को धोखा देने वाला धर्म, वो नहीं है भागवत में। और फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। मत्सर किसको कहते हैं? मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, जलन को, दूसरे को सुखी देख के सहन न हो, उसको कहते हैं मत्सर। और निर्मत्सर का मतलब जिसका हृदय शुद्ध हो वही इस धर्म का अधिकारी है। ये परम धर्म किसके हृदय में? ऐसे कहते हैं राधा कृष्ण का प्रेम, ललिता सखी का, विशाखा सखी का जो राधा कृष्ण प्रेम है वो ऐसा है जैसे शेरनी का दूध। किसका दूध? शेरनी का दूध देखा है, सुना है कभी? शेरनी का दूध देखा है? नहीं। कि या तो सोने के बर्तन में वो ठहरता है, नहीं तो शेर के बच्चे के पेट में, और कहीं रखा नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। तो ये जो प्रेम है ये शुद्ध, जिसका हृदय पवित्र है, जो शेर का बच्चा है वही इसको इस प्रेम को पका सकता है, दूसरे के हृदय में पक नहीं सकता है। शेरनी का दूध या तो सोने के बर्तन में रहता है, नहीं तो शेर के बच्चे के पेट में रहता है। तब भक्त कहते हैं हम शेर के बच्चे हैं, हम सिंह गिरीबा, चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम ला के दिया है, इसलिए शुद्ध हो जाओ, हृदय को पवित्र कर दो, निर्मत्सर बनो। निर्मत्सर का मतलब जिसके हृदय में दया है, किसी का दुख देख नहीं सकता है, किसी में दोष दृष्टि रखता नहीं है, वही असल में प्रचार कर सकता है। प्रचार कौन कर सकता है? जो दूसरे का दुख देख नहीं सकता है, और जो किसी का दोष नहीं देखता है और उसमें गुण देखता है, वही प्रचार। प्रभुपाद जी ने किसी में दोष देखा? जितने प्रभुपाद जी के पास आए, काले आए, गोरे आए, नंगे आए, कपड़े पहने आए, नशे में आए, कैसे भी आए, लेकिन हरे कृष्णा जप रहे, सेवा कर रहे, आओ आओ, और दुखी हैं, इनको सुखी बनाना है। तो ये निर्मत्सरा नाम सतम। और वस्तु क्या है? वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। भागवत में कल्याणकारी वस्तु है शिवदम। ये शिव कुमार जी की कथा है, शिव का मतलब है कल्याणकारी, सबका भला करने वाली है, भागवत कल्याणकारी है, शिवदम वस्तु है। और वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। तीन प्रकार का संकट सबको संसार में भोगना पड़ रहा है, एक शरीर और मन से उत्पन्न होने वाली चिंताएं और रोग, दूसरा दूसरे प्राणी हमको दुख देते हैं, और तीसरा प्रकृति का कोप होता है। बंबई मंदिर का केस चल रहा था कोर्ट में, तमाल कृष्ण महाराज कोर्ट में जाके बेंच के ऊपर बैठते थे, तो खटमल इतने मोटे मोटे खाते थे और गोरी चमड़ी के ऊपर लाल हो जाता था। प्रभुपाद जी को कहा प्रभुपाद बेंच के ऊपर बैठता हूँ, खटमल खाते हैं। प्रभुपाद ने कहा कोर्ट की बेंच में कभी मत बैठना, ये वकील सब मर के खटमल खोते हैं।
ये जीते जी खून पीते हैं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते. सब वकीलों को नमस्कार. लेकिन ये स्वर्ग और स्वर्ग वाले और नरक वालों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई प्लाट के ऊपर. तो स्वर्ग वालों ने कहा हमारा इसके ऊपर अधिकार है, आप क्या कर सकते हो. नरक वालों ने कहा चुप करो, तुम्हारे पास कोई वकील है, सारे वकील हमारे पास है, तुम्हारा केस कौन लड़ेगा. सो मच्छर कितना आदमी को परेशान करता है, छोटा सा है लेकिन अब तो नया नया मच्छर निकले हैं. डेंगू वाला एक मच्छर निकला है, नया नया वैरायटी मच्छरों की. और मच्छर में भी मच्छरी बहुत बड़ी खतरनाक होती है. मच्छर से मछली खत्म होती. एक बार 5-7 मच्छर मरे हुए थे कहीं, वैज्ञानिक खोज कर रहे थे. वैज्ञानिक ऐसे होते हैं बेचारे, एक हिंदुस्तान में आया, यहाँ से समोसा देखा, एक खाया और दूसरा ले गया, जाके खोज कर रहा इसके अंदर आलू कैसे गया. और दूसरे विज्ञानी को कहता है मैं बहुत बड़ा पढ़ा, इतना सारा सख्त है, इसके अंदर आलू गया क्या. वो अंदर से जलेबी लाया, बोला मैं वहां से लाया हूं, इसमें जूस कहां से गया. बड़ी खोज कर रहे थे. और एक गोबर सुखाया हुआ था ऊपर, तो कहता है अरे इतनी बड़ी गाय कहां से आई, इतना ऊपर गोबर कैसे गया. अरे माई ने कहा मैं इसके ऊपर थाप के आई हूं, गाय बड़ी नहीं है तेरे खोज. तो ये खोज वाले मच्छर के ऊपर खोज कर रहे थे कि इसमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, मच्छर कौन सा है, मछली कौन सा है. अब बड़ा माइक्रोस्कोप लेके बैठे. एक गांव वाला था, बोला ये मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ क्या है. बोला बोतल पे मरे हुए हैं ये सब मच्छर हैं और आईने पे ये सब मछली है. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ये राजा की सवारी आ रही थी, एक महात्मा सोया हुआ था रोड पे. बोला हट जाओ, महाराज की सवारी आ रही है. बोला महाराज क्या होता है. बोला सबके ऊपर आदेश चलता है, देश का राजा है. बोला महाराज से बात करनी है. तो रास्ता तो छोड़ो, खावात करना. महाराज आया. महाराज आप राजा हैं. जी हाँ मैं राजा हूँ. आपका सबके ऊपर आदेश चलता है. हाँ चलता है. बोला ये मच्छर मुझे परेशान करता है, इसको बोल मत काटे. राजा बोलता है मच्छर की मेरी नहीं चलती है. बोला फिर किसके ऊपर चलती है, मच्छर पे तो चलती नहीं है. वो एक मच्छर खा रहा था, सनातन गोस्वामी को परेशान कर रहा था मानसी गंगा के पास. और सनातन गोस्वामी अपना बोरी बिस्तर उठाया और कड़वा उठाया, करमंडल उठाया, चलने लगे. भगवान शंकर कहने लगे कहाँ जा रहे हो भक्त, आप बैठे हो, आपके एक नाम जप में आनंद आ रहा है. बोला यहाँ मच्छर खा रहे. बोला आज से कोई मच्छर यहाँ नहीं आएगा. और शंकर जी ने कहा तब से वहाँ कोई मच्छर नहीं, अभी तक मच्छर नहीं है. तो मच्छरों के भी देवता होते हैं, उनको बुला के उन्होंने कहा होगा कि इनको बोलो यहाँ नहीं आना, तो वो वहां से चले गए बेचारे. तो दूसरे प्राणी जो दुख देते हैं उसमें शेर ने कोई आदमी आके गांव पुणे में खा के गया ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, लेकिन मोटर गाड़ी वालों ने लाखों लोग मारे होंगे. दूसरा आदमी दूसरे एक आदमी दूसरे आदमी को ज्यादा, एक मानव दूसरे को ज्यादा दुख देता है. और मानव में भी अपने रिश्तेदार सबसे ज्यादा प्रेम से पीड़ा देते हैं, और इससे बचना बहुत मुश्किल है. असल में वो पीड़ा देते इसलिए है कि मोह न हो, लेकिन हम इतने मोह में फंसे होते हैं कि उस पीड़ा को पीड़ा मानते हैं. नहीं तो द्रु महाराज की तरह अपमान भगवान मिलाने वाला है. अपने पीड़ा दें तो भगवान के पास चला जाना चाहिए, क्योंकि अपना तो वो है, बाकी सारा सपना है. तो वस्तु क्या है, शिवदम तापत्रय उन्मूलनम. श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंवा परैश्वा किंवा परै. ये भागवत के अध्ययन करने के बाद और कोई शास्त्र के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है. जो विश्व में सब शास्त्रों में है वो इसमें है, और जो कहीं नहीं है वो भी इसमें है. इसलिए और किसी के पास कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये परिपूर्ण है. और फिर ईश्वरे सद्यो हृदय अवरुद्यते अत्र. आप आज संकल्प करके कथा सुनने आए हो, रविवार है इसलिए संडे को आए हो. आज आपकी परीक्षा है. वैसे लिखा ये है कि जो कथा करने का संकल्प करके आके कथा में बैठता है, भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं. अवरुद्ध का मतलब ऐसे बैठ जाते हैं, अरे मेरी कथा सुनने गया है, कितना अच्छा है,
आज ये मेरी कथा और कलयुग में मेरी कथा काम छोड़ के कथा, लेकिन संडे के दिन भगवान नहीं, मंडे के दिन आओगे तो लेकिन फिर एक प्रश्न और उठता है, कौन कथा में आ सकता है? व्यासदेव ने बड़ी सावधानी से लिखा है, कृति भी तत्क्षणात्, उसी समय भगवान हृदय में आएंगे, लेकिन किसके? कृति भी, सुकृति भी, जिसके जीवन में कई जन्मों की भक्ति जनक सुकृति का उदय हुआ है वही भागवत कथा सुनेगा। भागवत कथा सुनने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए, भक्तों के संग में भागवत कथा सुनने के लिए बहुत जन्मों की भक्ति जनक सुकृति, दान पुण्य वाली सुकृति नहीं, भक्ति जनक सुकृति होगी तभी भागवत का कथा सुनने, और सुनने से भगवान को हृदय में विराजमान करना, हृदय में विराजमान करने से हृदय धुल जाएगा, और हृदय धुल जाएगा तो भगवान के चरण कमल दिख जाएंगे, और जिसने एक बार देख लिए वो फिर और किसी चीज को देखने के लिए लालायत नहीं रहता, वो भगवान के ही फिर प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। अब तीसरा श्लोक है आशीर्वाद का, इसको सुनिए। निगम कल्पत्रु गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, वैसे निगम की परिभाषा है जिसके पास आसानी से पहुंचा न जा सके। देखो भैया, वेद है ना, ये समुंदर है, समुंदर का पानी पी सकते हो? खेती में काम आ सकता है? नहीं ना। तो वेद है समुंदर की तरह। अब सूरज की रोशनी में मई जून में इसी समुद्र का पानी आकाश में बादल बन जाता है, और बादल वर्षा करता है तो वही मीठा पानी होता है कि नहीं? फिर पीने के काम भी आता है और खेती में भी काम आता है कि नहीं? तो ये मीठा कौन करता है पानी को? बादल में मीठा पानी होता है। वेद है समुद्र और साधु संत है बादल। क्या है? साधु संत को तुलना किससे दी गई है? बादल से। वो करता है तपस्या और खारे पानी को मीठा करके, अमृत करके बरसाता है, और सबके हृदय को तृप्त कर देता है, ठंडा कर देता है और दुख दूर कर देता है। इसलिए वेद तो है वृक्ष, लेकिन उसका पका हुआ फल है भागवत। भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन पका हुआ फल है वृक्ष बहुत बड़ा है, गिरा होगा तो फट गया, टूट गया तो फिर फल खाने जैसा नहीं रहेगा। बोला, न फटा है न टूटा है। भगवान नारायण ने साक्षात इस वेद रूपी वृक्ष के पके हुए फल भागवत को ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने लिया और अपने बेटे नारद को दिया, और नारद जी ने अपने शिष्य व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव को दिया, और सुखदेव के मुख से ये और अमृत बन के प्रवाहित हुआ। तो एक डाली से, एक शाखा से दूसरी शाखा पे आया, गिरा नहीं है, ये परंपरा से आया है फल। निगम कल्पत्र गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रवितम द्रव्य संयुतम, अमृत है, द्रव्य है, रस है, और सुख के, सुखदेव महाराज के मुख से ये अनुभव के कारण इतना मीठा और अमृत जैसा होके आया। पीबत भागवत रसमालयम, ये भक्ति रसामृत सिंधु जो शिला रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है ना, उसमें जो रस है भक्ति का वो कहाँ से आया? ये श्लोक रसमालयम, भागवत का रस भक्ति रसामृत सिंधु में भरा है श्रीरा रूप गोस्वामी पाद ने। ये रसमालयम, आलय किसको कहते हैं? आलय पता है किसको कहते हैं? समुंदर। आलय का जैसे विद्यालय औषधालय, और संसार है दुखालय, और भागवत है रसमालय, रसम आलय। ये दक्षिण भारत वाली रस नहीं, रसम नहीं वो वाली रसम नहीं, ये धर्म का अमृत है। धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपास्ते शब्द धारणा मत परमा भक्तास्ते, ये धर्म का अमृत है। कौन से परम धर्म का अमृत है?
ये विशेष अमृत है, ये स्वर्ग वाला अमृत नहीं है, जो इसका क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, वो अमृत नहीं है ये। और फिर लिखते हैं मुहो रसिक पीब पियो, रसिक, रसिक किसको कहते हैं, रसिक किसको कहते हैं, जो रस का जिसको पता हो, जैसे सोना है कैसा है पता होता है जोहारी को, सुनार को, ऐसे रस का पता होता है रसज्ञ को। तो रस, किसी महात्मा से पूछा कि रसिक की परिभाषा क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि 100 छिद्र वाला मटका, 100 सोराख वाला, 100 होल वाला मटका, आपको कहा जाए कि नदी से भर के आओ और हमको भरा हुआ चाहिए तो क्या करोगे, 100 सोराख हैं, मटके को नदी में डालो बाहर निकालो पानी सब बह जाएगा ना, तो भरा हुआ चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बोलो भैया, उसको लेपाई पोचाई करें, बोला वो भी नहीं करनी है, पानी में पड़ा रहे तो भरा रहेगा। रसिक उसको कहते हैं जो भागवत के रस में पड़ा रहे, डूबा रहे, वो रसिक कहते हैं उसको। छिद्र हैं हमारे में भी, बाहर जाएंगे ना यहां से तो कथा भूल जाएगी, फिर दुनिया की बातें याद आएंगी, लेकिन ये छिद्र हमारे अंदर हैं, लेकिन भागवत में बैठे रहेंगे तो भरे रहेंगे। एक महात्मा के पास कोई गया, कहा महाराज कथा में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं, जैसे थे पहले हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा एक टोकरा पड़ा है, टोकरा बांस का, टोकरा समझते हैं बांस का, जिसके अंदर फल वल होते हैं, टोकरी बांस की, बोला जाओ नदी से भर के आओ। अब टोकरी नदी से भरेगी क्या, बार बार भरी, 50 बार भरी, पानी तो भरा नहीं। वापस आया बोला महाराज बांस का टोकरा नहीं भरा। बोला क्यों, बोला इसमें बड़े बड़े सोराख हैं। बोला इसलिए आपकी कथा जो आपको भर देते हैं आप में बड़े बड़े सोराख हैं, बह जाती है। तो बेचारा दुखी हो गया, महाराज ने कहा जरा टोकरे को देखो, जब तुम ले गए थे तब कैसा था और अब कैसा है। बोला ले गए थे तो इसके ऊपर मिट्टी थी और कड़क था, सूखा हुआ था, 50 बार पानी में ढाला है ना तो धुल गया है और नरम हो गया है, सोराख कुछ छोटे हो गए हैं। तो महाराज ने कहा भरा नहीं तो कोई बात नहीं, धुल के तो आया कम से कम, तो कुछ धुलाई तो हो गई ना, और कुछ सोराख छोटे हुए कुछ नरम हुआ, दोबारा डालोगे तो पड़ा रहेगा तो सोराख भी बंद हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने नित्य भागवत सेवा का नियम बनाया है कि रोज भागवत को श्रवण करना है, और रोज भागवत को श्रवण करेंगे तो भक्ति निष्ठा वाली होगी। निष्ठा तक पहुंचने के लिए भागवत सुनने के अलावा और कोई साधन नहीं, और किसी साधन से कोई निष्ठा तक अपने आप पहुंच जाए संभव नहीं है। इसलिए ये भागवत नित्य का नियम रखा है। और फिर कौन पिए, रसिक पिए, और दूसरे कौन पिए, भावुक। भावुक कौन कौन होते हैं, जिनके हृदय में भाव का उदय हुआ है। ये भाव कहाँ से आता है, भाव भी सबके हृदय में हमारे पड़ा हुआ है, इसको जगाना पड़ेगा। इस भाव को जगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साधन भक्ति, साधन भक्ति करनी पड़ेगी, तब भाव जगेगा, और जब भाव जगेगा तब ये भागवत मीठा लगने लगेगा। ये 3 श्लोक में मंगलाचरण है, आशीर्वाद है कि पियो, ये आपका सब दुख दूर करेगा, ये मंगल वस्तु है और ये परम सत्य की गाथा है। अब भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भागवत में, भागवत को कहा गया है आध्यात्मिक दीप, और भगवान श्री कृष्ण को भी कहा गया है आध्यात्मिक दीप, दोनों को आध्यात्मिक दीप कहा गया है, दोनों ही दिव्य प्रकाश देते हैं, भागवत भी और कृष्ण भी, तो कृष्ण और भागवत में कोई अंतर नहीं है। और 6 प्रश्न भागवत में पूछे गए हैं, 6 प्रश्न 6 क्यों पूछे गए, भगवान कहते हैं 6 गुण संपन्न, 6 गुण परिपूर्ण, अनंत जिसमें हो उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान की परिभाषा सुनने के लिए,
भगवान को प्रस्तुत करने के लिए छह प्रश्न पूछे हैं ऋषियों ने, और छठा प्रश्न ये है, छठे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। छठा प्रश्न ये है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? और उसका उत्तर ये है, जैसे श्री कृष्ण अपने धाम जाने लगे तो भागवत रूपी सूर्य का उदय हो रहा है ज्ञान और धर्म का अज्ञानियों को प्रकाश देने के लिए। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण की जगह पे भागवत श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए 12 स्कंद को पद्म पुराण में कहा गया है, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, तीसरा और चौथा जांघें, पांचवा उदर, छठा वक्ष छाती, सातवां और आठवां दो भुजाएं, नौवां कंठ, दसवां मुस्कुराता हुआ मुख, ग्यारहवां ललाट और बारहवां कपाट। ये साक्षात भगवान स्वरूप का, श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप माने वाणी के रूप में भगवान का प्रकट्य है भागवत का। इसके बाद कथा आती है, एक दिन की बात है, 88,000 ऋषि भृगुवंशी सनक ऋषि के नेतृत्व में तपस्या कर रहे थे प्रयागराज में, क्योंकि वो तीर्थराज है, तीर्थराज है, सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज। एक बार वृंदावन नंद गांव में यशोदा मैया बना रही थी कचोरी मटरी लड्डू। कृष्ण ने पूछा, मैया ये क्यों बना रही? बोला, आपके पिताजी कहते हैं तीर्थराज का दर्शन करने चलेंगे प्रयागराज, इसलिए सूखा प्रसाद बना रहे हैं। अच्छा मैया तीर्थराज जाना है? दूसरे दिन सुबह नंद बाबा स्नान करने गए पावन सरोवर, तो सामने देखें कि प्रकाश दिख रहा है, बहुत बड़ा प्रकाश। तो नंद बाबा थोड़ी देर रुक गए, देखा तो कोई व्यक्ति नीचे उतरा, जाके प्रणाम किया। वो व्यक्ति स्नान करके बाहर निकला, नंद बाबा ने पूछा, आप कौन है? बोला, मैं प्रयागराज हूँ। बोला, क्यों यहाँ कैसे पधारे? बोला, वहाँ पापी लोग स्नान करने आते हैं, मैं मेरा पाप धोने के लिए पावन सरोवर में आता हूँ। नंद बाबा वापस स्नान करके आए, कहा, ये जो सामान बनाया है कचोरी और मटरी और लड्डू, ये सब बांट दो। बोला, क्यों? बोला, प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं। बोला, क्यों? बोला, प्रयागराज तो यहाँ स्नान करने आता है। तो वृंदावन में सारे तीर्थ, एक बार प्रयागराज नाराज होकर कृष्ण को कहने लगा, मैंने सब तीर्थों को बुलाया, सब तीर्थ नहीं आए थे, वृंदावन नहीं आया। भगवान हंसने लगे, बोला, वो तीर्थ थोड़ी है, मेरा घर है, वो तुम्हारे पास कैसे आएगा? वो तो मेरा निज घर है, तो मेरा साक्षात भगवान का घर है। इसके ऊपर फिर एक बात याद आ रही है, वृंदावन का एक महात्मा चला गया अमेरिका, एक बड़े पादरी पोप के ऑफिस में चला गया। उसने कहा, आइए आइए पधारिए, आप वृंदावन से आए हैं। तो उसके एक टेबल के ऊपर तीन टेलीफोन रखे थे, लाल था, हरा था और पीला था। ये बेचारा वृंदावन वाला महात्मा आश्चर्यचकित होकर कहते, ये तीन फोन क्यों? बोला, एक अमेरिका में बात करने वाला पीला, और ये हरा वाला जो है ये दुनिया पूरी में बात करने वाला एसटीडी है। बोला, लाल बोला ये भगवान से बात करना। ये बेचारा ब्रजवासी था, उठाया फोन, ओ मैया गोपाल गैया कन्हैया कहाँ है, गोपाल कहाँ है, गैया कहाँ, एक घंटा बात किया। बिल आया $200, तो पोप ने कहा, मैं खर्चा दे दूंगा, चिंता मत करो, आप हमारे मेहमान हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वापस आ गया, ये वृंदावन में आया, पोप दिल्ली आया, पूछा, मेरा एक मित्र है वृंदावन जाना है, चला गया उसके पास। उधर भी तीन फोन पड़े थे, महात्मा ने रख दिए। उसने पूछा, ये कौन से? बोला, ये आपके देश में ये पीला वाला भारत में, ये दुनिया में हरा वाला और लाल भगवान से। इसने बात $200 इसके ऊपर खर्च किया है, मैं भी फ़ोन करता हूँ। उठाया फ़ोन, ओ मेरी कहाँ है, मेरी जीसस कहाँ है, एवरीथिंग ओके। एक घंटा बात की, ₹2 बिल आया। अरे बोला, इतना कम क्यों? बोला, लोकल कॉल है, भगवान यहीं रहता है। ये तो वृंदावन के, ये तो लोकल कॉल है, इसमें तो कहीं पैसा एसटीडी आईएसडी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो वृंदावन धाम भगवान का लोकल है, वहाँ भगवान नित्य रहते हैं, कभी बाहर जाते ही नहीं हैं। सो नैमिष, ये सब प्रयागराज में गए थे कि कलयुग के लोगों को दुख से कैसे बचाएं, कलयुग के प्रभाव को कम कैसे करें,
कलयुग में लोग दुख भोग रहे हैं, उनको सुखी कैसे करें? ये साधु के दिल का भाव होता है कि लोग दुखी ना हो। तो वहाँ वेणी माधव है, प्रयागराज में वेणी माधव है, त्रिवेणी और माधव भगवान श्री कृष्ण, उसको प्रार्थना किया कि भगवान हमको कोई स्थान बताइए जहाँ बैठ के हम कोई अनुष्ठान करें और कलयुग के प्रभाव को रोक दें। तो भगवान ने अपने चक्र को कहा कि जहाँ ये चक्र विश्राम करे वहाँ जाके आप कथा शुरू करना, अपना अनुष्ठान करना। तो भगवान का चक्र आगे चला, ऋषि पीछे चले, और चक्र नैम शरण्या में आके पाताल में चला गया, और चक्र तीर्थ बना, और यहाँ ये ऋषि आके बैठे, और दीर्घ काल तक, बहुत समय तक यज्ञ करने का अनुष्ठान करके बैठे कलयुग को रोकने के लिए। तो एक दिन सूत गोस्वामी वहाँ आया, लिखा है सूत गोस्वामी, सूत जाति का नाम है ये सूत गोस्वामी, इसका नाम है उग्र सर्वा सूता, ये है रोमहर्षण सूता का पुत्र। रोमहर्षण सूत व्यास देव का शिष्य है, जिसने सब पुराणे सीखी थी, पुराणों का आचार्य था, बैठा था कथा कर रहा था, और ऋषियों के ऋषि कथा में बैठे थे, और यमराज को बुलाया था कि किसी की मौत ना हो, और कहा कि कथा दिल खोल के करो, किसी की मृत्यु नहीं होगी। बलराम जी आ गए और सूता उठा ही नहीं, बलराम जी ने तिनका उठाया और सूता की ओर ऐसे किया और सूता के ही प्राण निकल गए। ऋषियों ने कहा, हमने कहा था यमराज किसी को नहीं मारेगा, ये तो कथा वाला ही चला। बलराम जी को भागवती परंपरा अपनी ओर से शुरू करनी थी, इसलिए रोमहर्षण के पुत्र उग्र सर्वा को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया, और उग्र सर्वा सुखदेव महाराज के शिष्य हैं। ये सुखदेव महाराज से भागवत कथा सुन के आए यहां नैम शरण्या में, और ऋषियों ने इनका स्वागत किया, सम्मान किया, और कहा कि आप स्निग्ध शिष्य हैं। स्निग्ध संस्कृत में घी को बोलते हैं, इसका मतलब चुपड़ा, इसका मतलब सेवा करने वाला, निम्रता वाला हो, इसलिए गुरुओं ने आपको कृपा करके सब दिव्य ज्ञान दे दिया है, और हम यज्ञ तो कर रहे हैं, यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद शाम के समय आप हमको कथा बताइए। तो कथा मुख्य नहीं है, मुख्य यज्ञ है, कथा उनका अंग है। तो सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे ऋषियों ने, और ऋषियों का एक प्रतिनिधि हुआ सनक, सनक ने पूछा, सनक ऋषि ने कहा, पहला प्रश्न ये है, सब लोगों का आत्यंतिक कल्याण क्या है, सबका भला क्या है, सब क्या करें कि सबका भला हो। दूसरा ये लिखा के शास्त्र बहुत हैं, प्रश्न दूसरा ये है, शास्त्र बहुत हैं, समय बहुत कम है, उसका सार क्या है ये आप ही बता दीजिए, क्योंकि कलयुग बहुत मुश्किल समय है, इसमें लोगों की आयु कम है, और खान पान इतना बिगड़ा है कि मरने से पहले मरने की तैयारी करते हैं। हाँ, सिगरेट के ऊपर लिखा है कि तुम मरोगे तो फिर भी लोग पीते हैं कि नहीं, तो मां, और फिर बिचारों का भाग्य भी अच्छा नहीं है और सदा परेशान रहते हैं, इसलिए आप सारे शास्त्रों का सार बता दो। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया, सब लोगों के लिए क्या एक काम करना चाहिए, क्या बताया, प्रेम भगवान का सबके हृदय में, उसको जागृत करें तो सबका कल्याण होगा, और किसी रास्ते से कल्याण नहीं होगा। भगवत प्रेम जो सबके हृदय में पड़ा है उसको जागृत करना है, यही सबका कल्याण करने वाला है। बोला, सब शास्त्रों का सार क्या है, वासुदेव भक्ति, भगवती भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की, वासुदेव की भक्ति, ये सारे शास्त्रों का सार है, ये सारे शास्त्रों का सार है, और कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आप भक्ति करो और इस भक्ति से आपका आत्यंतिक कल्याण अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रेम। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान ये सृष्टि के लिए अवतार कैसे लेते हैं, और फिर भगवान कौन कौन से अवतार लेके कौन कौन सी लीला की, ये चौथा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न, श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के यहाँ छुप के क्या लीला कर रहे थे, और छठा प्रश्न आपको पहले ही बताया था, श्री कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया।
तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया, सवई परो धर्मो, ये जो श्लोक है, परम धर्म क्या है? भगवान का प्रेम, वो जागृत करना, और सब शास्त्रों का सार है भक्ति, और सृष्टि के लिए भगवान तीन पुरुष अवतार लेते, उसको तीन पुरुष अवतार कहते हैं। एक कारण सागर में सोने वाला विष्णु, जिसके रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, महाविष्णु कहते हैं उसको। दूसरा, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु भगवान प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा के रूप में, तब वो ब्रह्मांड सृष्टि उसमें होती है। उस विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इस विष्णु का नाम है गर्भ सागर में शयन होने वाला विष्णु। पहला कारण सागर में शयन करने वाला, दूसरा गर्भ सागर में शयन करने वाला विष्णु, और तीसरा क्षीर सागर में शयन करने वाला विष्णु, जो परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं, ये सृष्टि करते हैं। तो सृष्टि असल में है, एक ब्रह्मांड की सृष्टि कौन करता है? गर्भोदक्षाई विष्णु। सारे ब्रह्मांड कहाँ से निकलते हैं? कारण दक्षाई विष्णु, कारण सागर में सोने वाले विष्णु। इसलिए कभी कभी लोग आपसे पूछेंगे कि सारे अवतार विष्णु से आते हैं, तो ये सच है, क्योंकि यही कारण, यही गर्भोदक्षाई विष्णु यही अवतार लेते हैं, क्योंकि यही पालन करने के लिए है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, ये आपको चौथे पांचवें दिन जब कथा आएगी तब ये आपको सुनना पड़ेगा कि ये विष्णु अवतार नहीं है, ये सारे अवतारों का स्रोत है। ये तो तीन पुरुष अवतार, भगवान श्री कृष्ण, गोविंद, जब सृष्टि करने का संकल्प करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी का प्रकट होता है, और उल्टे हाथ की तरफ से राधा रानी का प्रकट होता है। यहाँ से शक्ति, उल्टे तरफ से शक्ति, और सीधे तरफ से बलराम जी। बलराम जी चतुर्व्यूह एकदम होते हैं, वसुदेव, संकृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और ये महासंकृष्ण जो है, ये आगे चल के सृष्टि के कार्य के लिए तीन विष्णु बनते। तो कृष्ण से नहीं, बलराम से नहीं, संकृष्ण के बाद विष्णु निकलते। और फिर तीसरे अध्याय में 24 अवतारों का नाम लिखा है कि कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए। चार कुमार अवतार, नारद अवतार, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, ऐसे सब अवतारों की गिनती कराते करता है। राम अवतार आया, परशुराम की बात आई, कृष्ण बलराम की बात आई, तब सावधान हो गए। और व्यासदेव ने सावधान होकर एक श्लोक लिखा, और ये श्लोक है श्रीमद् भागवत का परिभाष सूत्र। सारी भागवत इस एक श्लोक के ऊपर केंद्रित है, और ये परिभाष सूत्र है, एते चांश कलाहा पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे। ये जितने अवतार गिनाए हैं, ये तो या अंश हैं या कला है। अंश का मतलब भगवान अपने जैसा एक और बना दे, वो अंश हो गया, उसको कहते हैं विष्णु तत्व। और कला का मतलब वो अंश का भी अंश, कुछ कलाएं उसमें हो। भगवान तो 16 कला संपूर्ण है, तो कुछ कलाएं जिसमें हो। तो या ये सब अवतार भगवान के अंश हैं या कला हैं, लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो इनसे विलक्षण है। ऐसे कहना कैसे कहा जाए? बोला, सब लोग आज मंदिर में आ रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है। तो सब लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर भी सब लोग में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सबसे अलग है। आज सब ब्राह्मणों को बुलाया है, लेकिन बड़ा वेदज्ञ ब्राह्मण भी उनके साथ आ रहा है। तो विशेष कृष्ण को बता के, सारे अवतार हैं लेकिन कृष्ण विशेष अवतार है। तो ये 19 अध्याय पहले स्कंद में है। तीन संवाद हैं, तीन संवाद। पहले तीन अध्यायों में सूत सोनक संवाद है। इसमें यज्ञ मुख्य कार्य है, कथा सेकेंडरी है, गौण है। कथा सुनना उनका उद्देश्य नहीं था। 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते
ये ऋषि कहने लगे कि यज्ञ करते करते धुएं से बाहर सब काला तो हो गया, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि यज्ञ कलयुग का धर्म ही नहीं है, ये तो त्रेता युग का धर्म है। ऋषि तो 18वें पहले स्कंद के 18वें अध्याय तक पहुंचते कह दिया कि यज्ञ से धुआं उठ रहा है, हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है। अब हम सुबह 10 बजे ही पूर्ण आहुति कर देंगे, आप कथा करते रहो, अब कथा का अमृत पिएंगे। तो यहां कथा मुख्य नहीं थी, मुख्य यज्ञ था। दूसरे 3 अध्यायों में नारद व्यास संवाद है। प्रश्न कैसे उठा? प्रश्न ये उठा, सूत गोस्वामी कहते हैं आपने मुझसे पूछा है तो मैं अभी अभी मेरे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुन के आ रहा हूं। मैं बैठा था पीछे, सुखदेव महाराज ने मुझे कहा निकट आके बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो, आगे आपको इस कथा का परंपरा चलाना है तो मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा। तो सौनक आदि ऋषि ने पूछा भागवत कब प्रकट हुई, कहाँ प्रकट हुई, किसकी प्रेरणा से प्रकट हुई। दूसरा प्रश्न, सुखदेव महाराज व्रक्त चूड़ामणि है, ब्रह्म आनंद में निष्ठ है, उन्होंने 18,000 श्लोक अध्ययन कैसे किए। तीसरा प्रश्न है, परीक्षित महाराज नवयुवक एक छत्र पृथ्वी के राजा सम्राट हैं, उन्होंने नवयुवक अवस्था में गंगा के किनारे आमरण आजीवन मरण का जलपान त्याग के व्रत क्यों लिया। तो इनके प्रश्नों के उत्तर में नारद व्यास संवाद है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो अब पहला कीर्तन होता है नीम खोदना, कथा होती है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, फिर कीर्तन होता है उसके ऊपर प्लास्टर रंग करना ताकि आपका भक्ति का महल सुंदर हो जाए। तो अब आप 5-7 मिनट बचे हैं, बड़ा आनंद से कीर्तन करके अपनी भक्ति के इस महल को सुंदर बनाइए, कल कथा यहाँ से फिर आगे प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।